चलिए, तो चैप्टर क्लास नंबर 2 है ये, है ना। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो कल बताया था एज वाटर फ्लोस फ्रॉम हाई लेवल टू द लो लेवल, सो वाटर जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। कल इस पर बात हो गई थी, अब आगे की चर्चा जारी करते हैं। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं सेल की। तो कल मैंने बताया था कि सर्किट में करंट को, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जरूरी होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो इस्टेब्लिश करने वाली डिवाइस होती है, जो लालच को इस्टेब्लिश करती है, जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिकल प्रेशर को इस्टेब्लिश करती है, इस इलेक्ट्रिकल प्रेशर को इस्टेब्लिश करने वाली डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इस डिवाइस को हम सेल बोलते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो व्हाट इज अ सेल? सेल इज अ डिवाइस दैट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओके, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो होती है मेंटेन करती है, और यू कैन से दैट इस्टेब्लिश इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन टू टर्मिनल्स, ठीक ना। जो सर्किट के दो टर्मिनल के बीच में एक इलेक्ट्रिक प्रेशर को, जिसकी वजह से चार्ज मूव करता है, उसको इस्टेब्लिश करने वाले डिवाइस को हम सेल कहते हैं। पढ़िए स्वास्ति, सेल। सेल द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल जनरेटेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग वायर करेंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये आप पता है कि जब आप किसी सर्किट में सेल को कनेक्ट करते हैं, व्हेन सेल इज कनेक्टेड बिटवीन द कंडक्टिंग वायर, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जो करंट होती है वो हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ चलना शुरू कर देती है। अब आइए बात करते हैं। तो समर्थ, यहाँ तक क्लियर हो गई बात आपको? बोलो। यस सर। ओके, अब बात करते हैं आगे। ओके, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट मैं आपसे पूछूंगा एक सर्किट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सर्किट एक तरीके का मतलब नेटवर्क होता है जिसमें कुछ चीज़ें रहती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? आप बोलेंगे सर उसमें बैटरी रहती है, उसमें एक स्विच रहता है, उसमें एक बल्ब रहता है, या कुछ और हो सकता है। एग्जैक्टली, तो ये सर्किट कहलाता है। बट सर्किट की एक विशेष बात है कि सर्किट जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ओके, कंटिन्यूअस होता है मतलब लगातार में हुआ करता है। पढ़िए स्वास्ति, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? पढ़िए इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। फॉर एग्जाम्पल फिगर गिवन बिलो शोज अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ स्विच। एग्जैक्टली, तो बेटा जिसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, स्विच है, और आपके पास में यहाँ पे एक बैटरी है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ करता है। करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। जी हाँ, अगर सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो होगी। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये आपको सामने दिख रही है क्या, इसको बोलते हैं बेटा, इसको स्विच बोलते हैं, इसको की भी बोलते हैं। तो ये अगर कहलाता है, अगर ऐसा है, दोनों इस तरीके से बंद है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लोज्ड स्विच। यदि ये बंद है तो इसे हम बोलेंगे क्लोज्ड स्विच, बट यदि ये कुछ इस तरीके का है बच्चों, तो ये कहलाएगा ओपन स्विच। ऐसे कॉपी में बना लीजिए अपने अपने, ये क्लोज स्विच है और ये है ओपन स्विच। तो एक हो गया है क्लोज स्विच और एक हो चुका है ओपन स्विच, ठीक है। यस सो सर। करंट इज ओनली फ्लोइंग व्हेन देयर सर्किट सर्किट इज क्लोज। नाउ सर्किट डायग्राम। ओके, सर्किट डायग्राम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो कनेक्ट होते हैं किसी सर्किट में, उनको हम फिजिकली तो कनेक्ट करते हैं, बट उनको हम यदि डायग्राम में बनाना हो तो हम उनको इनके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिंबल्स उनके हुआ करते हैं। जैसे कि कोई बल्ब आपने कनेक्ट किया है सर्किट में, तो ये इतना बड़ा बल्ब है, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं आप बल्ब बनाओगे पूरा का पूरा, ड्राइंग करोगे, बहुत मेहनत लगेगी। तो बल्ब आप किसी सर्किट में कनेक्ट करते हो तो कैसे शो करोगे? ये है और इस तरीके से ये बल्ब शो करोगे। ओके, इस तरीके से आप शो करोगे। अगर कहीं पर स्विच है तो ये तो नहीं कि आप बटन बनाने लगोगे, है ना, सिस्का के बटन, ठीक है ना। तो इस तरीके से इतनी मेहनत नहीं करेंगे आप, कुछ स्पेसिफिक सिंबल से, स्पेसिफिक
डायग्राम से पूरे सर्किट को शो करते हो, दैट डायग्राम इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम. पढ़िए स्वस्ति. वी नो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटीन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सेल, स्विच, प्लग की, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड इंटरकनेक्टिंग वायर्स. इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड कन्वेंशनली थ्रू अ सर्किट डायग्राम. अ डायग्राम व्हिच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन अ सर्किट हैव टू बी कनेक्टेड by using symbols for different electric components is called a circuit diagram. Exactly, a diagram which indicate how different components in a circuit have to be connected by using symbols for different electric component is called circuit diagram. एक ऐसा diagram जो बताता है कि किस तरीके से अलग-अलग component जो हैं circuit के component connected हैं और जो मिल करके complete circuit बना रहे हैं, उस diagram को हम बोलते हैं, जो connection show करता है उस diagram को हम बोलते हैं circuit diagram. सर्किट डायग्राम में कंपोनेंट्स की जगह पे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि बैटरी, रेजिस्टेंस, बल्ब, प्लग की, रिहोस्टेड, ये सारे सर्किट डायग्राम हैं. आइए देखते हैं कुछ सर्किट डायग्राम. यस, ये आपके पास में फिजिकल सर्किट है बना हुआ है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये सेल इसमें बल्ब लगा हुआ है. तो आप इसको कैसे शो करेंगे, इस तरीके से शो करेंगे. माइनस के लिए छोटा टर्मिनल होता है, प्लस के लिए बड़ा टर्मिनल होता है, और आप बल्ब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा वाला क्रॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप क्रॉस ना इस्तेमाल करना हो तो ऐसे बना करके भी कर सकते हैं. ये बल्ब को रिप्रेजेंट करेगा लाइक दिस. अब देखिए, ये एक सर्किट है जिसमें क्या हो रहा है. इस सर्किट को बड़े मस्त तरीके से देखिए, बहुत ही अच्छा सर्किट दिया हुआ है. ओके, इसमें कमाल की चीज़ें दी हैं. देखिए इस सर्किट में ये सेल है, बैटरी लगी हुई है, और बैटरी के बाद एक वायर यहाँ पर आया हुआ है. ये एक वायर है. ओके, और ये जो वायर है एक बल्ब के लेफ्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है, और राइट टर्मिनल जो है, राइट टर्मिनल से जो वायर गया हुआ है वो यहाँ कनेक्टेड है, और बल्ब के पीछे से बैटरी से साइड से एक वायर ये दिखा हुआ है, ये आ रहा है. अब देखिए, अगर ये जो नॉब दिख रही है आपको, ये की है. क्या है? की, यानी कि स्विच. अगर आप इसे ओपन कर देते तो ये कैसे की हो जाती? ओपन. बट फिलहाल आपने इसको कैसे कर रखा है? ऑन कर रखा है, मतलब ये स्विच क्लोज है. तो ये स्विच क्या है? क्लोज है, मतलब कनेक्शन ऑन है, और बल्ब बड़ा मस्त के साथ ग्लो होगा. तो ये देखिए इस तरीके से. हालांकि एक चीज़ गलत है यहाँ पे, बल्ब ग्लो हो रहा है तो ये कनेक्शन ओपन नहीं है एक्चुअली, बेटा ये क्लोज है. तो इसको क्लोज कर दीजिए. अगर आप इसके डायग्राम की बात करेंगे तो ये इसका डायग्राम ये बनेगा, ये बल्ब बिंदास ग्लो हो रहा है. आई बात समझ में बच्चों की नहीं आई? यस सर. ओके, सो दिस इज क्लोज्ड कनेक्शन, क्लोज स्विच है. अब बात करते हैं बच्चों एमीटर की. एमीटर क्या होता है? ये देखिए एक बड़ा सा डिवाइस आपके सामने दिख रहा है. आपने इसको अपनी लैब में, अगर आप कभी स्कूल में गए हो तो देखे भी होंगे. ये जो डिवाइस आपके सामने दिख रही है बच्चों, इस डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर. एमीटर क्या करती है? करंट को मेज़र करती है, और इसलिए हमेशा इसे करंट के रास्ते में, मतलब कि सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि ये करंट को मेज़र करती है. पढ़िए बेटा, एमीटर. An apparatus. An apparatus to measure the value of current. It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. Exactly. तो जिस रास्ते से आपको करंट मेजर करना है, किसी चीज का फ्लो मेजर करना है, अगर पानी का फ्लो मेजर करना है तो पानी के फ्लो के लिए फ्लो मीटर, फ्लो को नापने वाले, पानी के फ्लो को नापने वाला मीटर क्या कहलाता है? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन केबीसी का. पानी के फ्लो को नापने वाले मीटर को क्या बोलते हैं जो पानी के फ्लो को नापता है? आंसर है वेंचुरी मीटर. ओके, पानी को फ्लो को नापने वाला मीटर जो होता है वेंचुरी मीटर होता है, और करंट के फ्लो को नापने वाला मीटर होता है एमीटर, कि करंट कितनी जोर से आ रही है उसको एमीटर से नापते हैं. तो इस तरीके से ये कोई स्विच है, ये आपके पास में बैटरी है, ये एमीटर है, और ये इधर है. क्लियर हो गया? Yes, sir. So, what if we connected ammeter parallel? Okay, if you connect ammeter in parallel, it will give incorrect reading. How? देखिए, अगर आपने ammeter को parallel में connect कर दिया तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए ये battery है, ये battery यहाँ से current flow कर रही है plus से लेके minus. Okay, और ये आपके पास जो है ये bulb लगा हुआ है, ये bulb लगा हुआ है. आपने ammeter यहाँ ना जोड़ करके, आपने एमीटर यहाँ जोड़ दिया, तो देखिए क्या होगी. यहाँ से करंट चलेगी, मान लो टोटल करंट है आई. अब ये करंट एक चली जाएगी कितनी? आई वन. और यहाँ से चली जाएगी कितनी? आई टू. अब ये जो एमीटर है आपको प्योर करंट आई नहीं बताएगा, ये खुद से जितनी करंट जाएगी वो करंट बताएगा. समझ में आए?
यस सर, क्योंकि आयरन तो निकल गई नीचे से, तो इसकी कोई मतलब नहीं रखेगा ये, अब ये अपने अंदर से जाने वाली करंट आपको बताएगा, बाकी कुछ नहीं बताएगा। डन, क्लियर है? यस सर, यस, सो दिस इज एमीटर। नाउ सेकेंड पढ़ते हैं बेटा, वोल्ट मीटर। ये देखिए वोल्ट मीटर होता है बेटा, इसके बीच में वी लिखा रहता है वोल्ट मीटर में, ये वोल्ट मीटर हुआ करता है, ये वी होता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को नापता है। वोल्टेज मतलब एनर्जी का लेवल, और एनर्जी का लेवल नापने के लिए आपको जिस एलिमेंट में एनर्जी का लेवल नापना है, जैसे ये बल्ब कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, उस एलिमेंट के अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा दो। मतलब रास्ते में मत लगाना, अक्रॉस में, क्योंकि वोल्ट मीटर को एक प्लस की ज़रूरत होती है और एक माइनस की ज़रूरत होती है, इसलिए वोल्ट मीटर जो होता है अक्रॉस में यूज़ होता है। पढ़िए बेटा, वोल्ट मीटर, एन एपरेटस। an apparatus to measure the potential difference between two points in an electric circuit. It is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. यस, जिस दिन दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उनके बीच में आप जो है वोल्ट मीटर को लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए बेटा कि आपके पास कोई सर्किट है जिसमें एक सेल लगा हुआ है, ये मान लो ये सेल है, और इस सेल में आपके जो हैं तीन बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3। यस, आपके पास में एक वोल्ट मीटर है ना, ये आपके पास में वोल्ट मीटर है। अगर आपको पहले वाले बल्ब का वोल्टेज मेज़र करना है कि इसने कितना वोल्टेज खाया, तो आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दीजिए। अगर आपको दूसरे वाले में मेज़र करना है, तो आप इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दीजिए। अगर आपको थर्ड वाले के अक्रॉस मेज़र करना है, तो आप थर्ड वाले के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दीजिए। समझ में आ गया? यस सर, चलिए, सो दिस इज़ अबाउट वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर हो गया है। अब आइए देखते हैं, आपके बुक में कुछ कंपोनेंट बने हुए हैं, आई होप इनमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, यदि किसी कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए मुझे। ओके, सेल जो होता है नॉर्मली प्लस माइनस है, अगर सेल्स को जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है, कई सारे सेल का कनेक्शन बैटरी है। ये ओपन की है, नीचे वाली क्लोज की है, ये वायर ज्वाइंट है, दो वायर का ज्वाइंट है, वायर ज्वाइंट है, और ये है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। वायर, एक वायर जा रही थी, उसके ऊपर से दूसरी वायर निकल गई। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, या तो आप ऐसे शो कर दो या ऐसे शो कर दो, इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये रजिस्टेंस है, रजिस्टर है, और ये वेरिएबल रजिस्टर है। ओके, वेरिएबल रजिस्टर है। दिस इज एमीटर एंड दिस इज वोल्ट मीटर। तो ये एमीटर एंड वोल्ट मीटर, डन। डन सर। चलिए, तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम ओम्स लॉ की, कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओके, अब बात करेंगे ओम्स लॉ। चलिए पढ़िए बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर आर इज कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट। कॉम्पोनेंट दैट इज यूज टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टर। यस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ओम। यस, तो देखिए ओम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कल मैंने बताया था, जितने जोर का लालच होगा उतने जोर फ्लो होगा, तो मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। आप जितना बड़ा वोल्टेज, जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे, उतना ज़्यादा करंट बनेगी। सो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और यू कैन से वी इक्वल्स टू आई आर। यहाँ आर क्या था? हियर आर इज़ अ कॉन्स्टेंट। यहाँ आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है जो कंडक्टर के लिए दी जाती है, फॉर अ गिवन कंडक्टर एंड इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है हर एक कंडक्टर की, हर एक मटेरियल की, जो कि करंट को रोकने का प्रयास करती है, जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकती है। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसमें से करंट बहुत कम जाएगी, और अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो उसमें से करंट बहुत ज़्यादा जाएगी। ओके, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, एंड ओम इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। ओम को हम ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये देखिए, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज रेजिस्टेंस आर,
ओके नाउ इफ टॉकिंग अबाउट 1 ओम, यदि हम 1 ओम की बात करते हैं, सो 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होता है, देखिए तो अभी अभी आपने पढ़ा वी इक्वल्स टू आई आर, सो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, सो इफ यू प्रोवाइड वी इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यस, मतलब क्या होगा कि अगर किसी कंडक्टर वायर में जिसके अक्रॉस कितने का पोटेंशियल आपने लगाया है 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने से ये कंडक्टर केवल 1 एम्पियर की करंट को परमिट करता है। अगर 1 वोल्ट का करंट लगाने पर, 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाने पर ये कंडक्टर केवल 1 एम्पियर की करंट को परमिट करता है, इसका मतलब इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितने ओम होगा, 1 ओम होगा। आई बात समझ में? यस सर। यस, क्लियर है समर्थ? यस सर। इट इज इम्पॉर्टेंट बेटा, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कल मैंने बताई थी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए दैट टाइम यू से कि द करेंट अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। ओके यस। यस सर। ओके एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द 1 वोल्ट, एंड 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग चार्ज ऑफ 1 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट। नाउ फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर जिन चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ओके, हाउ कैन यू नो द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस मीन्स क्या है, रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन ऑफर्ड बाई द मटेरियल। ओके, द हिंड्रेंस द ऑब्स्ट्रैक्शन ऑफर्ड बाई द मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन द वे ऑफ करेंट। तो मान लो आप एक ट्रैक में गए हुए हो, ट्रैकिंग करने के लिए गए हुए हो कोई ट्रेजर हंट में, और आपके पास एक सुरंग है, ओके, दिक्कत निकालनी है, तो सुरंग जितनी लंबी होगी आपको उतनी ज़्यादा कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। सो रेजिस्टेंस मीन्स दिक्कत इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, अगर सुरंग का एरिया बड़ा होगा तो आप बड़े आराम से खड़े होकर के चले जाओगे, ठीक है ना, बड़े आराम से आप जो है खड़े होकर के चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस तकलीफ कम होगी, और अगर सुरंग का एरिया छोटा है तो आपको लेट लेट करके घिसट घिसट करके जाना पड़ेगा। मतलब अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम तो ये ज़्यादा, एक उल्टा, दैट इज़ कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप। तो आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो बच्चों दो चीज़ें पर डिपेंड करता है, लिख लो इसको, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। समझ में आया? हाँ सर। यस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये कहलाता आपका रेजिस्टेंस, जो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दोनों को मर्ज कर दीजिए, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर इज प्रोपोर्शनल हटाओ कॉन्स्टेंट लगाओ रो एल बाई ए, रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, सो इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। डन? यस सर। ओके, सो यस, कंटिन्यू स्वास्ति। रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस मींस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द कॉज दैट लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर्स क्रिएट मोर रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, लॉन्गर विल बी द वायर, लॉन्गर विल बी द रेजिस्टेंस, आर इज प्रोपोर्शनल टू द, मोर विल बी द रेजिस्टेंस, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर, दिस मीन्स रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कंडक्टर एंड वाइस वर्सा, मोर एरिया ऑफ कंडक्टर फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोर एरिया एंड थस डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस, दिस इज द कॉज दैट थिक कॉपर वायर क्रिएट्स लेस रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट।
sorry, resistance is direct inversely proportional to area. ठीक है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. नेक्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल. वायर यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी रो ऑफ मटेरियल. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो. From equation 1, 2 and 3 we get R is equals to rho L by A. Yes, ठीक है ना. तो ये तीन चीज़ों पर तो बेटा मैंने अभी आपको दिखा दिया है ना. हालांकि रो कांस्टेंट होता है, बट आप ये कह सकते हो कि अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. इसमें कोई बुराई नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब बात करते हैं टेम्परेचर की. ओके, बट एक चीज़ याद रखना बच्चों, मैं यहाँ पर एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ाने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है. और अगर आपने एक बार स्टील लगा दिया तो स्टील के तार की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, फिर उसको कैसे बदलोगे. तो प्रोपोर्शनल वगैरह वहाँ चीज़ें यूज़ होती हैं जहाँ पर कोई चीज़ बदले. तो आप बदल ही नहीं सकते हो रेजिस्टिविटी को. आप बदल कब सकते हो, जब आप मेटल चेंज करो, मटेरियल ही चेंज करो. तो मोर बेटर यहाँ पे इसको जैसा मैंने बताया है, आप इसको प्रोपोर्शनलिटी में डेवलप करो, वो ज़्यादा अच्छा है. आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. दोनों को मर्ज करके आपने बना दिया आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, सो आर इक्वल टू रो एल बाई ए. रो इज हेयर कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. यस, ठीक है ना भाई. लेंथ बढ़ा घटा करके आप तार के रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हो, एरिया बढ़ा घटा करके आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो. बट अब इसके लिए आपको मटेरियल ही बदलना पड़ेगा. बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं आएगा. क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी क्या तार के लेंथ के वायर को लंबा कर देने पर बढ़ेगी घटेगी. आंसर नो, कोई प्रभाव नहीं आएगा उस पर. डन, समझ में आया. यस सर. ठीक है भैया समर्थ, तुमने टेस्ट के मार्क्स क्यों नहीं डाले बेटा. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के मार्क्स क्यों नहीं डाले टेस्ट के. हाँ सर मैं डाल रहा हूँ. हाँ बेटा उसके डाल उसके मार्क्स बेटा अभी भेजो हैं थोड़ी देर में. हाँ सर मैं क्लास के बाद भेजता हूँ. चलिए जी, अब बात करते हैं बेटा टेम्परेचर की. स्वास्थ्य पढ़िए टेम्परेचर. रेजिस्टेंस ऑल्सो वेरीज विद टेम्परेचर. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. एग्जैक्टली. तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा डिक्रीज होगा. नेक्स्ट, अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, कि रेजिस्टिविटी क्या होती है. रेजिस्टिविटी मैंने बताया था, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. अब आपके मायनों में यदि आपको रेजिस्टिविटी समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ. रेजिस्टिविटी का मतलब ये होता है कि मटेरियल जितना हल्का होगा इलेक्ट्रॉन को जाने में उतनी कम दिक्कत होगी, और मटेरियल जितना गाढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन को जाने में उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक एक स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है और एक स्विमिंग पूल में शक्कर का सीरा भरा हुआ है. अगर मैं आपको इस स्विमिंग पूल में पानी या शक्कर के अगर मैं आपको इस स्विमिंग पूल में छोड़ दूं पानी वाले में और शक्कर के शीरे वाले में, आप इलेक्ट्रॉन हैं तो बताइए आप मोर रेडियली किस में ट्रेवल कर पाएंगे, पानी वाले में या शक्कर के शीरे वाले में. पानी वाले में. एग्जैक्टली, क्योंकि पानी की डेंसिटी कम है, शक्कर के शीरे की हार्डनेस ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है. इसी तरीके से अगर मैं आपको दो मटेरियल दे दूँ, एक मैं आपको दे दूँ एल्यूमिनियम, एक मैं दे दूँ आपको आयरन, तो एल्यूमिनियम और आयरन में ज़्यादा डेंस कौन सा मटेरियल है, एल्यूमिनियम है कि आयरन है, बोलो. अरे एल्यूमिनियम का कुकर बना होता है, आयरन की कढ़ाई बनी होती है. हाथ में दोनों को उठा करके देखे होगे, ज़्यादा हैवी क्या होता है, एल्यूमिनियम का कुकर कि आयरन का कुकर. आयरन का. हाँ आयरन की कढ़ाई ज़्यादा हैवी होती है, मतलब इसके मटेरियल एलिमेंट जो होते हैं ज़्यादा पास पास में होते हैं, तो मतलब इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है और इसकी रजिस्टिविटी कम है. समझ में आया. इसका मटेरियल हल्का है और इसका मटेरियल परेशान करेगा आपको आयरन का. क्लियर हुआ. वैसे भी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और आयरन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 27, 26, 56 फेकोनी कोबाल्ट का 30, कोबाल्ट का 30, निकल का 31, यस 28. समझ में आया. यस सर. हाँ तो भाई इसलिए आयरन डेंस होता है, तो इसलिए मटेरियल की प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. तो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. यस, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, R
अपॉन एल। आर को किस में नापते हैं? ओम में। एरिया को किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। और लेंथ को मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल। बोलिए आंसर कितना आ गया? ओम मीटर। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज हाउ मच? ओम मीटर। डन, समर्थ, क्लियर? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू ओम मीटर। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब आपको यदि मैं बोलूं कि रो की डेफिनेशन बताओ, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो आप अगर लेंथ को ले लो बेटा 1 मीटर, एरिया को ले लो बेटा 1 मीटर स्क्वायर। समर्थ बेटा माइक ऑफ कर लो थोड़ा सा आप, है? हाँ ठीक है। तो अगर आप लेंथ को ले लो बेटा 1 मीटर और एरिया को ले लो आप 1 मीटर स्क्वायर, सो आर इक्वल्स टू रो और लेंथ भी 1 और एरिया भी 1, मतलब आर इक्वल्स टू कितना हो गया? रो हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो? रजिस्टिविटी इज सेड टू बी द रजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। सो वॉट इज रजिस्टिविटी? इट कैन बी सेड एज रजिस्टेंस ऑफ द वायर विच हैविंग अ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर लेंथ वाले और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले जो कंडक्टर रेजिस्टेंस होता है वो न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। बोलो क्लियर? यस सर। पढ़ो स्वस्ति, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सिंस द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर व्हिच इज ओम मीटर। Exactly. Materials having resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter are considered as very good conductors. Silver has resistivity equal to 1.60 into 10 to the power minus 8 ohm meter and copper has resistivity equal to 1.62 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Rubber and glass are very bad conductors or are very good insulators. They have resistivity in the order of 10 to the power 12 ohm meter to 10 to the power 17 ohm meter. Okay, correct this is. Okay, so this is called resistivity. ये रेजिस्टिविटी हो गई। अब देखिए अच्छी बात ही इसमें क्या है कि जो मटेरियल मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, 10^-8 से लेकर 10^-6। और इसमें से सिल्वर की रेजिस्टिविटी देखो कितनी कम है, 1.60 इंटू 10^-8। ये सिल्वर की रेजिस्टिविटी है, बहुत ही कम है सिल्वर की रेजिस्टिविटी। ओके, और कॉपर उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 1.60 है, कॉपर की बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा है 1.62। तो कॉपर भी बहुत अच्छा मटेरियल है। मगर ये देखो रबर के साथ क्या हाल है, रबर और ग्लास में। रबर देखो एक भयंकर बड़ा इंसुलेटर है जिसकी रेजिस्टिविटी 10^-12 है, वो -8 था, ये +12 है। और ग्लास की कितनी है, 10^+17 ओम मीटर। तो ये लोग अपनी रेजिस्टिविटी के कारण इंसुलेटर और कंडक्टर्स बन रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। ओके चलिए, सो दिस इज अबाउट रेजिस्टिविटी। अब बात करते हैं बेटा, ये देखिए कुछ मटेरियल हैं और ये दी गई हैं इनकी रेजिस्टिविटी। ये कुछ मटेरियल हैं और ये दी गई हैं इनकी रेजिस्टिविटी, ठीक है? यस सर। चलिए तो देख सकते हैं रेजिस्टिविटी सिल्वर की 10^-8 से शुरू होती है और जा करके पेपर की 10^12, और अभी आपने देखा था जो रबर होती है उसकी 10^ ग्लास की 10^17 तक जाती है। तो बहुत हाई रेजिस्टिविटी है, तो वो क्या होंगे आपके, इंसुलेटर्स होंगे। चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की, रिहोस्टेट की। बच्चों आपने देखा होगा फैन में एक रेगुलेटर लगा होता है, फैन में एक रेगुलेटर लगा होता है जिसमें लिखा रहता है सबसे ऊपर 0, फिर इसके इधर पे 1 लिखा रहता है, फिर इसके ऊपर 2 लिखा रहता है, फिर 3 और फिर 4 और फिर 5। आपके पंखे 5 नंबर तक चलते हैं, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5। आपने सोचा है कि क्या होता होगा अगर आप जिस समय इसको 1 पे करते हो तो रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा रहता है, करंट कम रहती है। जैसे जैसे आप 2 पे पढ़ते हो तो रेजिस्टेंस और कम हो जाता है, करंट और बढ़ जाती है।
थ्री पे करोगे रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, करंट और बढ़ जाएगी। फोर पे करो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, फाइव पे करो रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगी। यस, तो ये जो चीज है बच्चों मेरे, ये कहलाता है, ये रेजिस्टेंस बार बार बदल रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऐसा रेजिस्टेंस जो बदल सके, इसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जो बदल सकने वाली डिवाइस होती है, रेजिस्टेंस को जो बदल सकने वाली डिवाइस होती है, उसे हम बोलते हैं रिहोस्टेट। तो ये जो डिवाइस होती है, ये कहलाती है रिहोस्टेट। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? Yes, हाँ, तो ये रिहोस्टेट कहलाती है, इसी को वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम रिहोस्टेट को कैसे शो करते हैं? रिहोस्टेट में ये एरो होता है जिसको आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो, तो ये रिहोस्टेट हुआ करता है। चलिए पढ़ो बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस रिहोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट, द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू वेरी द रेजिस्टेंस ऑफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड रिहोस्टेट एंड दैट कैसे वेरीफाई करेंगे, ओम्स लॉ को जो है कैसे वेरीफाई करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। हाउ कैन वी वेरीफाई ओम्स लॉ? वेरीफाई क्या करना है हमें, ओम्स लॉ में क्या वेरीफाई करना है बेटा? ये प्रैक्टिकल है, ये जितना भी है ओम्स लॉ का वेरीफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं आता है इसमें आपको, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। मतलब आप जानेंगे इसमें कि प्रैक्टिकली अपन इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इस चीज़ को आप यहाँ पे जानेंगे। चलिए, सो व्हाट इज दिस वेरीफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ? यस, what is ohm's law? ohm's law said that at every time the current is proportional to applied voltage. आपकी जो करंट होगी ये अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी। तो आपको इनपुट में क्या देना है, आपको एक बैटरी लेनी है जो बदल सके अपना वोल्टेज, आपको एक वेरिएबल बैटरी लेनी है, और उस बैटरी के साथ आपको चेक करनी है कि किसी तार में, किसी रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रही है। यस, आपको करंट की वैल्यू चेक करनी है। तो करंट मेजर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर लगाना पड़ेगा। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, तो ये लग गया एमीटर। और क्या लगाना है, वोल्टेज लगाना है आपको। तो आपको इस कंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज भी देखते जाना है, क्योंकि ये आपको बदलना है, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज भी, वोल्ट मीटर भी लगाना पड़ेगा। अब आप क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लगाना है। तो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लगाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा रिहोस्टेट, क्योंकि रिहोस्टेट जो होता है अलग अलग करंट देता है, और अलग अलग करंट पे अलग अलग वोल्टेज इसको मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा। ये देखिए, यस, ये है एमीटर। हालांकि इन लोगों ने रिहोस्टेट का इस्तेमाल नहीं किया है, ये डायरेक्टली बैटरी है, बैटरी देगी वोल्टेज। यहाँ पे है एमीटर, और ये है वोल्ट मीटर, और ये जिसके अक्रॉस आप जो है वोल्टेज निकाल रहे हैं, और ये करंट है। और करंट और वोल्टेज में आपको ग्राफ खींचना है, तो आप यहाँ पे ले लेंगे, एक एक्सेस में आप ले लेंगे वोल्टेज, और एक एक्सेस में आप ले लेंगे करंट, और दोनों के बीच में आप ग्राफ खींचेंगे। पहले आप मान लीजिए यहाँ पर आप वोल्टेज लगाएंगे 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट यहाँ पे आएगा, वोल्टेज की वैल्यू 1, और करंट की वैल्यू आप कुछ निकालेंगे, मान लीजिए करंट की वैल्यू आ गई इतना। तो दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट कहाँ मिल गया आपको, ये मिल गया। फिर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे 2 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू भी कुछ आ जाएगी। दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट कहाँ मिल गया, ये मिल गया। फिर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू भी कुछ मिल जाएगी। मान लीजिए करंट की वैल्यू यहाँ आ गई 3 वोल्ट के, 3 समथिंग यहाँ आ गई। फिर आप इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन जा रही है। स्ट्रेट लाइन जाने का मतलब होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, और स्ट्रेट लाइन के आते ही ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है कि हाँ, ये ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है कंडक्टर। तो अगर स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका मतलब आपका जो कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ये जो कंडक्टर जिसके अक्रॉस आपने वोल्टेज और करंट मेजर करी है, उसके अक्रॉस आपने ग्राफ बनाया है, वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। दैट टाइम दिस कंडक्टर इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। यस, सो इफ इट फॉलोइंग द ओम्स लॉ, द नेम ऑफ दिस कंडक्टर इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। दिस कंडक्टर इज रेडी टू फॉलो द ओम्स लॉ।
सो इट इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर. इफ दिस कंडक्टर इज नॉट फॉलोइंग द ओम्स लॉ, अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई अलग ग्राफ बन रहा है तो ये कहलाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर सिल्वर का यूज़ करेंगे तो ओम्स लॉ का ग्राफ आएगा, बट यदि यहाँ पर आप सिलिकॉन का यूज़ करेंगे तो सिलिकॉन में आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा, ये ऐसा आएगा. तो ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नो, इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन. तो ये जो कंडक्टर है ओमिक नहीं है, तब ये कहलाएगा नॉन ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे ये कहलाएगा नॉन ओमिक. बोलो, क्लियर हुआ बच्चों? यस सर. चलो पढ़िए स्वास्ति, सेट अप अ सर्किट. सेट अप अ सर्किट एज शोन अबव. नोट रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्टमीटर एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल बाय चेंजिंग द बैटरी. एवरी टाइम यू विल फाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी इन वोल्टमीटर इन एमीटर एंड वोल्टमीटर. Plot these values on graph and observe the nature of the graph. The graph of V versus I is always a straight line. Exactly. The graph versus V versus I is always the straight line. So I is proportional to V, and we have read that I is equal to V upon R. Here R is the property of resistance. Okay, property of material, that is called resistance. R is called conductor ka resistance hota hai. Clear hai? यस सर. ओके, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. ओ हाँ बेटा समर्थ, बताओ कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर ना? नहीं सर. चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा. सो वी हैव द टू कॉम्बिनेशन हियर, वन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, अनदर वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? चलिए मैं जल्दी से पहले अपनी लैंग्वेज में डिस्कस कर लेता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है रेजिस्टेंस कितना होगा, फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं. यस, स्लाइड नंबर वन. चलिए देखते हैं, ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है. मान लीजिए रेजिस्टेंस आर वन है, ये रेजिस्टेंस आर टू है, और ये रेजिस्टेंस आर थ्री. और ये पूरा सर्किट है, और ये इसके साथ में बैटरी लगी हुई है. ओके, यस, ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी का वोल्टेज है वी. अब यहाँ से करंट कितनी जाएगी? आई. पूरे सर्किट से एक ही करंट जाएगी क्योंकि एक ही पाथ है, तो इससे भी आई जाएगी. तो इसके ऊपर वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? वी वन, इसके ऊपर वी टू, और इसके ऊपर वी थ्री. तो हम कह सकते हैं कि नेट वोल्टेज, द टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. द नेट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द थ्री different different resistors, their resistors V1 plus V2 plus V3. Now by the Ohm's law V equals to I into R. This V is for complete circuit. So this I R is supposed to be for complete circuit. I means complete current and R means the total circuit ka resistance. So aap isko maan sakte ho R series, because ye tino series mein connected hai. Now V1 equals to By the Ohm's law, I R1, because V1, इसका वोल्टेज जो है किस पे डिपेंड करेगा? करेंट इंटू रेजिस्टेंस. इसका रेजिस्टेंस है R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3. I इंटू R सीरीज, और यू कैन से R टोटल इज इक्वल्स टू I टेक आउट एज अ कॉमन. हियर इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3. नाउ I एंड I गेट कैंसल्ड आउट एंड वी हैव R सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. बोलो क्लियर बच्चों? यस सर. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कॉम्बिनेशन, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड अक्रॉस, इन अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन अक्रॉस. सो द नेट करेंट, से इन द नेट करेंट इज I, द टोटल वोल्टेज इज V. सो द नेट करेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, से I1, I2, I3. ओके, एंड द वोल्टेज रिमेन सेम एज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. ईच ऑफ द कंडक्टर हैविंग द सेम वोल्टेज एज द वोल्टेज अप्लाइड ऑन अक्रॉस. सो इट हैविंग द वोल्टेज V, इट हैविंग द वोल्टेज V,
एंड इट हैविंग द वोल्टेज वी, बट द टोटल करेंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री रजिस्टर्स, सो आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री. नाउ बाई द ओम्स लॉ एज वी इक्वल्स टू आर आई, सो आई कैन राइट आई इज इक्वल टू नेट वोल्टेज वी अपॉन आर. सो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर फॉर द टोटल सर्किट. ओके, सो आर इज इक्वल्स टू आई वन वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री. ओके, नाउ वी वन बाई आर नेट रेजिस्टेंस, वी टेक आउट कॉमन, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, वी से वी कैंसिल, नेट रेजिस्टेंस गिवन बाई द फॉर्मूला वन अपॉन आर इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री. क्लियर? क्लियर सर. यस, तो इस तरीके से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. समर्थ, इज इट क्लियर? यस सर. चलिए, तो इस तरीके से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से, पहले वाले का ले लीजिए, सीरीज का, सीरीज पैरेलल का ले लीजिए. अभी मैं भेजूंगा लाकी स्लाइड, फिर भी ले लो. ले लिया सर. यस बेटा, अब इसका सेकेंड पार्ट का ले लो. डन डन सर. गुड, सो ये हो गया बच्चों आपका सीरीज कॉमन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ रजिस्टर्स इन सीरीज, पढ़िए स्वास्थ्य स्पीड के साथ. व्हेन रजिस्टर्स आर जॉइंड फ्रॉम एंड टू एंड दे आर सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन. वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इन द सर्किट. सो वी कंक्लूड दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स the current is same in every part of the circuit or same current flow through each resistor. If we add potential difference across each one of the resistors, then we get V1 plus V2 plus V3, which is our IR is equals to IR1 plus IR2 plus IR3. R is equals to R1 plus R2 plus R3. So in this case, the potential resistance of the system is equal to the sum of the resistors resistance of all the resistors in the system. If n resistors are connected in series combination, then R is equals to R1 plus R2 plus R3 plus Rn. Exactly. So, okay, so if there are n resistors connected in series combination, then the net resistance will be R equals to R1 plus R2 plus R3 plus this is. Okay, done? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, देख लीजिए डायग्राम जैसा मैंने बताया था. पढ़िए बेटा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी अप्लाइड. व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री or V upon R is equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3, which is 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So in this case, the reciprocal of the total resistance of the system is equal to the sum of reciprocal of the resistance of resistor. If n resistors are connected in parallel combination, then 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by Rn. Okay. Yes. When number of resistors are connected in parallel, then the combined resistance is less than the smallest individual resistor. While in series combination, equivalent resistance is always greater than any individual resistor. ठीक है, तो देखिए आपने कि सीरीज में जो कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आता है वो बड़े से भी बड़ा होकर के आता है, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आता है वो छोटे से भी छोटा होकर आता है. लेस देन द लीस्ट एंड ग्रेटर देन द मोस्ट इन सीरीज एंड लेस देन द लीस्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्लियर सर? ये वाला समझ नहीं आया. देखिए इसमें जैसे आप 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस आर थ्री करेंगे, तो पैरेलल में जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, मैं एग्जांपल समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लगा है, आपके पास 3 लगा है, आपके पास 4 लगा है,
तो आपके पास जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, सबसे छोटा क्या है, टू है, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ना बेटा पैरेलल में, आर पैरेलल, वो टू से भी कम आएगा, तो इसका आंसर वन पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आएगा, मतलब छोटे से भी छोटा। और अगर सीरीज की बात करोगे तो यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है, तो इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना, एलसीएम भी नहीं ले, सीधे जोड़ दो, तो दो प्लस तीन प्लस चार, चार तीन सात और दो कितना नौ, आंसर कितने हुए, नाइन हुए। क्या फील कर रहे हो, मतलब बड़े से भी बड़ा, आया समझ में आपकी, नहीं आया? यस सर। यस, ग्रेटर देन द मोस्ट मतलब बड़े से भी बड़ा, ओके, और छोटे से भी छोटा पैरेलल में, क्लियर? यस सर। चलिए तो ये हो गया आपका, सीरीज भी हो गया, पैरेलल भी हो गया, सीरीज कंप्लीट, पैरेलल कंप्लीटेड, बिल्कुल सही। चलिए अब बात करते हैं डिवाइसेस सीरीज इन पैरेलल, तो देखिए वेरी सिंपल है बेटा। देखो डिवाइस अगर सीरीज की बात करूं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख लो बेटा ये दोनों टर्मिनल पे, सेम टर्मिनल पे कनेक्टेड है, हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए सो ये सीरीज एंड पैरेलल ये हो गया, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ एडवांटेज है, एग्जाम में आते हैं, बहुत काम के हैं, कि पैरेलल कलेक्शन के एडवांटेजेस क्या हुआ करते हैं। पढ़ो बेटा फर्स्ट पॉइंट, इन सीरीज कनेक्शन। इन सीरीज कनेक्शन ईदर ऑल डिवाइसेस आर ऑन और ऑल आर ऑफ, बट इन पैरेलल कनेक्शन डिवाइसेस कैन बी सिलेक्टिवली स्विच्ड ऑन और ऑफ। इन सीरीज कनेक्शन इन वन इफ वन डिवाइस फेल्स ऑल डिवाइसेस विल टर्न ऑफ, बट इन पैरेलल कनेक्शन इफ वन डिवाइसेस फेल्स रेस्ट ऑल वर्क फाइन। In series connection, all devices will get same current, but in parallel connection, different devices need different current for proper work. That's why all devices like fan, TV, refrigerator, bulbs are connected in parallel. तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें सीरीज में अगर एक चीज बंद होती है, एक कनेक्शन फेल होता है, तो वो सारे बंद हो जाएंगे, ऑल डिवाइसेस ऑन और ऑफ सीरीज में। मगर पैरेलल में आप सेलेक्टिवली किसी को ऑन कर सकते हो, किसी को ऑफ कर सकते हो। लाइक पैरेलल में जैसे कि आपको मान लो पैरेलल में मैंने बताया कि ये वाले को आपको ऑफ करना है, तो इसका कनेक्शन क्या कर दो, ओपन कर दो यहाँ से, तो करंट इसमें जाएगी बिंदास, इसमें भी करंट जाएगी बट इसमें करंट नहीं जाएगी। बट यदि सीरीज की बात करो, अगर आपने इसको स्विच ओपन कर दिया तो इसमें भी करंट नहीं जा पाएगी, इसमें भी करंट नहीं जा पाएगी, मतलब सीरीज में टोटल करंट जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। मगर पैरेलल में आप सेलेक्टिवली अपने स्विच को जिसको ऑन करना उसको ऑन कर सकते हो, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, सीरीज में अगर एक डिवाइस फेल होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा, बट पैरेलल में अगर एक डिवाइस फेल होती है तो वो बस बंद रहेगी और बाकी सारे डिवाइसेस जो हैं वो चलती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्ट टू कंप्लीट। सीरीज में हम एक सेम करंट हमको मिलती है, मगर अलग अलग डिवाइसेस जो हमारी होती हैं वो अलग अलग करंट रेटिंग पे ऑपरेट होती हैं, इसलिए पैरेलल में यूज़ करने में उनकी करंट रेटिंग अलग अलग हमको मिल जाती है। मगर सीरीज में एक ही करंट होती है, इसलिए सारे डिवाइसेस काम नहीं कर सकती सीरीज में। डन? यस सर। चलिए तो ये तो हो गया आपके पास में ये चैप्टर का पार्ट पूरा। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आता है जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको कि जूल इफेक्ट बोलते हैं हम, वो ये है कि जूल ने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर से आप यदि करंट को फ्लो करते हो, नॉर्मली कोई भी कंडक्टर है आप उसे करंट को फ्लो करते हैं, तो थोड़े समय में ये कंडक्टर गर्म हो जाता है और एटमॉस्फेयर को अपनी हीट रेडिएट करने लगता है। मतलब अगर कंडक्टर से जाने वाली एक प्लेन वायर है, अगर आप उसमें यदि आप बैटरी लगा देते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी बैटरी की जो एनर्जी है, बैटरी की जो पूरी पूरी एनर्जी है, वो पूरी पूरी एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। बैटरी की जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी हीट फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। दिस कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपकी मर्जी है कि आप उसको किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बल्ब लगा देंगे तो वो लाइट फॉर्म में चला जाएगा, किसी और फॉर्म में चला जाएगा, बट आपके पास यदि प्लेन कंडक्टिंग वायर है तो वो हीट फॉर्म में पूरी की पूरी एनर्जी एक्सपेंड होगी। तो जूल ने क्या बताया था कि ये पूरी हीट फॉर्म में एक्सपेंड होती है, और वो कितनी एनर्जी होती है आइए वो निकाल लेते हैं। तो यदि आपने वी वोल्टेज लगाया है और वी वोल्टेज से
यहाँ से Q चार्ज चला जाता है। तो मैंने बताया था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, बोलो बेटा यस और नो। यस सर। सो W इज इक्वल टू Q इंटू V, बिकॉज वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, W इक्वल टू Q इंटू V। सो पहला फॉर्मूला बेटा जो वर्क होगा दैट इज कॉल्ड W इक्वल टू Q इंटू V, एज दिस वर्क इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क, rather it in the form of heat, so it would be better that you can convert work as a heat. So what is W? W is nothing but it is heat, the form of energy transported in the form of heat. So H equals to Q into V. Okay, now Q is equals to pehla formula, heat equals to Q into V, heat equals to Q into V. Now I is equals to Q upon T, so Q may be written as I into T. Current is equal to rate of flow of charge, so Q is equal to I into T. So H equals to I into T into V, more better you can write it V I T. Yes. Second formula V I T. Clear beta? Yes sir. Yes sir. Yes. Next formula, अभी हमने क्या पढ़ा, H इक्वल्स टू वी आई टी, नाउ बाई सॉरी वी आई टी, नाउ बाई द ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर, सो आई आर इंटू आई इंटू टी, सो इट विल बिकम आई स्क्वायर आर टी। सो H का तीसरा फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बोलो क्लियर है? यस सर। ओके, ये भी एक फॉर्मूला बन गया है। और एक फॉर्मूला और बोलेंगे, H इक्वल्स टू V की जगह V रहने दीजिए, I की जगह क्या पुट कर दीजिए, V अपॉन R। कहाँ से? ओम्स लॉ से, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। सो V अपॉन R इंटू T, सो फॉर्मूला कंप्लीट होके क्या बन गया, V स्क्वायर अपॉन R T। बेटा ये कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही एनर्जी हीट की फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगी। चार फॉर्मूले हैं, चाहे आप इसको W कह लो या H कह लो, ये भी W है, ये भी H है, ये भी W है, ये भी H है, ये भी W है, यही H है, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हीट के सारे फॉर्मूले हैं, क्लियर? यस। चलिए, अब सब लोग पढ़ करके आए हो कि भैया पावर क्या होती है। पावर इज वॉट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। सो बचपन में ही आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो अगर आप वर्क में टाइम का डिवाइड कर दें तो पावर बन जाएगा। ओके, वर्क में यदि आप टाइम का डिवाइड कर दें तो पावर बन जाएगा। तो चलिए पहला फॉर्मूला देखते हैं पावर में। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, तो इसमें टाइम का डिवाइड कर दो तो वी आई है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वी आई अपॉन टी, केवल क्या बचेगा, वी इन टू आई। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। यदि यहाँ की बात करें, टी का डिवाइड कर दो तो पावर क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके, और यदि यहां से बात करो बेटा हीट में, पावर का टी का डिवाइड कर दो तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के भी तीन फॉर्मूले रेडी हो चुके हैं, पहला फॉर्मूला वी आई, अगला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, और अगला फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। नोट कर लो, बोलो डन। डन सर। ओके गाइस, तो आज के लिए यहीं पर फिनिश करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और कल इस चैप्टर की थ्योरी पूरी फिनिश हो जाएगी। ओके, और होमवर्क कल का लिखिए, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक विद इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करके लेके आने हैं, इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट। ओके, इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन करके लेके आने हैं। बोलो डन। डन सर। चलिए जी, ठीक है।